जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इट इज़ जॉब में। यहाँ मिलती है आपको गवर्नमेंट नौकरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो फिर से जय हिंद मेरे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दूँ 2022-23 के लिए जो न्यू वैकेंसी रिलीज होनी है तो उसके बारे में कम्प्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक भरे जाएंगे, साथ में ही एज लिमिट क्या होगी और कब कैसे काउंट होगी, और क्या इस बार सिलेबस में कोई चेंज होने वाला है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। क्या फिजिकल रहेगा और क्या सिलेबस रहता है, तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले आपको पता हो। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से ये वैकेंसी आई है। आपको बता दूँ ये भर्ती जो कराई जाएगी वो एसएससी की तरफ से कराई जाएगी, जैसे कि फॉर्म भरना और फिजिकल होना एसएससी ही कराएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा एसएससी ही अब दिल्ली की पुलिस की वैकेंसी को कंडक्ट कराता है। तो अब बिना टाइम खर्च किए आगे की नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि ये नोटिस है कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस के लिए एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए। इसी बात पर अब वैकेंसी एंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी 7000 हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 8000 हैं और कुछ कहते हैं 9000 हैं। देखो आपको ये जो बता रहा हूँ एसएससी के द्वारा नोटिस के मैं बता रहा हूँ कि 7000 वैकेंसी हैं, 100-200 ऊपर नीचे हो सकती हैं लेकिन लगभग 7000 ही वैकेंसी हैं। सबसे ज़रूरी बात, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके एक इंडिया के सिटीजन होना अनिवार्य है। जो आप इंडिया में रहते हैं या इंडिया के सिटीजन हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट की एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, कैंडिडेट की एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो एज काउंट होगी 1/7/2023 तक काउंट होगी। अगर एक छूट की बात की जाए तो 5 साल की छूट एसटी और ओबीसी वालों के लिए, एसटी और एससी वालों के लिए मिलती है और 3 साल की छूट ओबीसी वालों के लिए मिलती है। देखा जाए तो अच्छा खासी छूट मिलती है एज के लिए। छूट का मतलब यह होता है कि आपको 3 साल, अगर ओबीसी वालों देखा जाए तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलती है कि आपकी एज अब 25 नहीं रहेगी, आपकी एज अब 28 हो जाएगी। ठीक है, यह होती है छूट की बात। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके लिए 12th पास होना नेसेसरी है, यानी कि आपको किसी भी बोर्ड से 12th पास होना अनिवार्य है। और एक बात यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए की गई है, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर यदि किसी व्यक्ति के पास लर्निंग है तो वो लाइसेंस नहीं चलेगा। ठीक है, इसके वैसे इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगते हैं तो ये आप बनवा लेना पहले ही, जब ये भी तो फॉर्म भी आने में टाइम है तो आप इसको बनवा लेना। बात की जाए एप्लीकेशन की फ़ीस की, तो बच्चों जनरल ओ बी सी के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, एसटी और एससी के लिए 0 रुपये फ़ीस रखी गई है, फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 0 फीस रखी गई है। आप इसको कैसे भर सकते हैं, आप इसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग या चालान से भी भर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए एसएससी के द्वारा किए जाने फिजिकल के बारे में, तो यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग फिजिकल होता है। जैसे कि अगर जनरल ओबीसी के लिए मेल की बात की जाए तो 170 हाइट लेते हैं सेंटीमीटर में, और फीमेल के लिए 157 हाइट लेते हैं। अगर एससी वालों के लिए बात की जाए 170 लेते हैं और फीमेल के 155 लेते हैं, और एसटी वालों की बात की जाए तो 165 लेते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए लेते हैं 155। और चेस्ट की बात की जाए, अच्छा ये जो 81 से 85 है ये दोस्तों बिना फुलाव 81 होना चाहिए और फुलाव 85 होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना नहीं लेते हैं। अगर रेस की बात की जाए
6 मिनट में मेल के लिए 6 मिनट में 1600 रेस होनी चाहिए और इनके लिए फीमेल के लिए 8 मिनट में होना चाहिए। लॉन्ग जंप 14 फीट का होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 फीट। हाई जंप 3 फुट 9 इंच का होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 फिट होना चाहिए पूरा। ये फिजिकल होता है। अगर दोस्तों बात की जाए एग्ज़ाम मोड एंड सिलेबस की, तो आपका CBT बेस एग्ज़ाम होता है जिसे हम कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो 100 नंबर का होता है और उसमें 100 ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। और दोस्तों इसमें जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, सही है। इसमें इस नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर देना है। बात की जाए इसके सिलेबस की, जनरली इसमें 4 पार्ट होते हैं, A, B, C और D। पहले पार्ट में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है इसलिए 50 नंबर के होते हैं। टोटल आपको यहाँ 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 90 मिनट में करने होते हैं। दोस्तों इसमें कंप्यूटर भी आता है 10 नंबर का, अच्छा खासा कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर की तैयारी ज़रूर कर लेना अगर आपको दिल्ली पुलिस का पेपर देना है। बात की जाए पे स्केल की, तो आपको लेवल 3 का पे स्केल मिलता है जिसमें आपको 21,700 से 69,100 के बीच सैलरी मिलती है। बात की जाए इसके दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अब सबसे पहले आपको कंप्यूटर CBT बेस एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे उनका PET और PMT होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है। बात करें आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो बच्चों आपको इसको ऑनलाइन करने के लिए इसका ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, तो इसके लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा। वहीं पर आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी और ये जो मैं PDF आपको बता रहा हूँ ये भी वहीं से मैंने डाउनलोड की है। दिल्ली पुलिस की अगर इसकी जो डेट की बात की जाए, दिल्ली इसकी जो एप्लीकेशन डेट है शुरू होने की, लगभग पहला मार्च का पहला सप्ताह बताया जा रहा है लगभग, जब से ही शुरू हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। तो देखा जाए 1 महीना ज़्यादा आपका फॉर्म चलेगा, तो बच्चों जिसको भी भरना है ध्यान में रखते हुए भर देना। और डेट ऑफ एंड एग्जामिनेशन की डेट लगभग इसकी अप्रैल या मई में बताई जा रही है। तो बच्चों ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022-23 के लिए जानकारी। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इट इज़ जॉब को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर इसको भेज देना।